नमस्कार दोस्तों, हमारा चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों अभी रात का लगभग 2:15 और हम लोग धनबाद झारखंड से निकल पड़े हैं बिहार औरंगाबाद। दोस्तों जैसे कि आप देखे थे कुछ दिन पहले मुझे सर्वदंश हुआ था, 2-4 दिन पहले। अभी भी मैं पूरी तरह स्वस्थ नहीं हूँ। मेरा उंगली में जहाँ पर स्नेक बाइट हुआ था, दिखाइए ये कैमरा मैन, ये पूरा देखिए, ये हाथ में घाव हो गया और ये हाथ अभी भी पेन है। हम उंगली ठीक से मोड़ नहीं पा रहा हूँ, फिर भी मुझे औरंगाबाद जाना पड़ रहा बिहार। इसका कारण ये है, एक परिवार जिस परिवार में लगातार कोबरा का बच्चा निकलते जा रहा, लगातार 4 दिन से निकला हुआ निकल रहा और आज तो हद हो गया कि आज एक दिन में 6 कोबरा का बच्चा निकल गया। पूरे परिवार पूरी तरह दहशत में है और जानते हैं जो सांप से लगाव नहीं, सांप से बहुत भयभीत देखकर होते हैं वो तुरंत क्या करते हैं, डंडा उठाते हैं, मार डालते हैं। मुझे देखकर बहुत पीड़ा हुआ और हम हमारा पूरा टीम साथ में पप्पू जी और रविंदर जी, हमारा कैमरामैन आज अवेलेबल नहीं है क्योंकि और वहाँ रहना भी जरूरत है क्योंकि हमारा एरिया में भी बहुत ज्यादा सांप निकलता है, उसको भी रेस्क्यू करना जरूरी है। तो दोस्तों हम उनको वादा किए थे कि दोस्त जल्द से जल्द उनके घर जाएंगे और सांप को रेस्क्यू करेंगे और उनके पूरे परिवार जो भयभीत थे उनको इससे दूर करेंगे क्योंकि वो लोग जो सांप के बारे में कुछ हम लोग अवेयरनेस भी कराएंगे, समझाएंगे सांप को क्यों नहीं मारना है, सांप को बचाने क्यों है, सांप से बचने का क्या उपाय है, कौन सा दवाई देना है और किस परिस्थिति में आप पेशेंट को बचा सकेंगे। हॉस्पिटल बहुत दूर है, मेडिसिन नहीं है, उस परिस्थिति में कैसे बचाएंगे उसके बारे में बताएंगे। दोस्तों आप सभी जुड़े रहेंगे दोस्तों हमारे चैनल में और उसके साथ साथ आप सभी को अनुरोध है, ये जो बच्चा है जो विकलांग है, जिस बच्चे को सर्वदंश हुआ था उनको इलाज चल रहा है, उनका पूरा पूरी तरह हाथ जो है गैंग्रीन हो गया है, पूरी तरह स्किन को काट कर हटाना पड़ा, पूरी तरह गैंग्रीन हो गया क्योंकि लेट हो चुका था, बहुत जोर झाड़ फूक का चक्कर में लेट कर दिए थे। तो अभी उनका किडनी में भी अटैक करके उनके यूरिन से लगातार ब्लड आ रहा। तो दोस्तों प्लीज आप उनसे ज्यादा से ज्यादा मदद करें। मैं सिर्फ एक ही मेरा संकल्प है, सर्वदंश में किसी को मरने नहीं देना और इसी तरह मैं भारत में मेरा कोशिश रहेगा 2022 से पूरे भारत में अलग अलग जगह, जिस जगह में सर्वदंश के इलाज नहीं है, वहां पर इलाज हो नहीं पा रहा, दवाई नहीं है, उस जगह में हम लोग अलग अलग ब्रांच खोलेंगे और वहां का लोकल कोई जो स्नेक सवार हो या जो इससे इंटरेस्टेड हो, जो इसके लायक हो, उसको वहां का ब्रांच मैनेजर बनाया जाएगा, वो वहां चलाएंगे और पूरी तरह हम लोग मुफ्त इसी तरह इलाज करेंगे। दोस्तों आप सभी को अनुरोध है हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे इस चैनल को चलाने का मतलब हीरो बनना नहीं, ना कि सांप पकड़ के हम लोग यूट्यूब में ज्यादा हम लोग एक ही चीज चाहते हैं कि पूरे भारत में सांप के बारे में जागरूक करना है, आदमी को बचाना है। सर्वदंश हमारा मुख्य उद्देश्य है, सांप को इंसान को बचाना, दोनों को बचाना है। भारत में हर साल 46,000 इंसान मरते हैं सिर्फ सर्वदंश में, सिर्फ एक ही कारण है कि जानकारी का अभाव, एंटी वेनम ना होना। उसके साथ साथ सरकार का बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल भी है जहां पर आदमी जा नहीं पाते, पता नहीं चलता वहां पर है कि नहीं है, तो उसके चक्कर में पैसे के डर से ओझा का पास चल जाते हैं, वहां पर मृत्यु हो जाता है। उसके बाद जब अंतिम घड़ी आता है उस समय में डॉक्टर के पास आता है, उस समय में जब पेशेंट मर जाता है, मरीज मर जाता है, बोलते हैं डॉक्टर क्या किया, डॉक्टर के चलते मेरा मरीज मर गया। लेकिन आप अगर समय पर ले जाते हैं आपका मरीज 100% अच्छा। दोस्तों अभी हम झारखंड धनबाद से हम लोग जा रहे हैं बिहार औरंगाबाद। इस घर में लगातार अभी 12 कोबरा निकल चुका है बच्चा और पूरे परिवार दहशत में है और मैं अभी जाने के लिए बहुत मुझे दिक्कत हो रहा था क्योंकि मुझे कोबरा बाइट किया था और मैं अभी भी मेरा हाथ देख लीजिए, ये गैंग्रीन हो चुका है और ये बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ये हाथ में मुड़ नहीं पा, बैंड नहीं कर पा रहा हूँ और ये अभी भी स्वेलिंग था, आज थोड़ा कम है लेकिन ये हाथ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, वो लगभग ये समय लगेगा। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं ये हाथ पूरी तरह ये गैंग्रीन हो चुका और स्वेलिंग है ज्यादा। तो दोस्तों हम लोग उस परिवार को वादा किए थे कि हम लोग जल्द से जल्द आपके घर आएंगे लेकिन हो नहीं पा रहा था, लेकिन आज वो लोग हद हो गया, आज रात को अचानक उनके घर में 6 कोबरा निकल गया, 6 कोबरा का बच्चा और उन लोग सभी कोबरा को, वो लोग जो सांप से नाता नहीं रखते हैं या डरते हैं वो क्या करते हैं, सीधे डंडा उठाते हैं, मार देते हैं।
तो उसके कारण मैं सांप और इंसान दोनों को बचाने के लिए हम लोग चल पड़े हैं। यहाँ अभी रात का 2 बज रहा और यहाँ से लगभग 6 घंटा लगे औरंगाबाद, गया के बाद आता है। और हमारा साथ पप्पू जी है और रविंदर कुमार, और हमारा कैमरामैन अभी है नहीं, टीम भी कभी है क्योंकि बहुत सारे स्नेक बाइट का पेशेंट भी है, और वहाँ टीम रहना जरूरी भी है क्योंकि लोकल में भी सांप रेस्क्यू निकलता है, जब उस समय रेस्क्यू करना जरूरी है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल में, हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद और आप सभी से वहाँ मुलाकात करेंगे, जो हमारा मित्र है जो फॉलोअर्स है वहाँ जरूर हमसे मिले। दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।